हेलो जी, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो जी, स्वागत आपका कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में, जहाँ हम बातें करते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड। पर जो आज की वीडियो है वो होने वाली है कि जो महिलाएं हैं उनको चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए और कब है उनको पहननी नहीं चाहिए, कैसी चूड़ियाँ उनको नहीं पहननी चाहिए। तो आज इस विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जी, वीडियो में बिल्कुल बने रही है, आपको एक सटीक जानकारी हम देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। तो जी, जो महिलाएं होती हैं, सबसे पहली बात, जो महिलाएं होती हैं उनको जैसे देहली होती है, देहली के बीच में बैठकर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। देहली वो जैसे जो भी चौकट होती है उसके बीच में अगर बैठते हो तो वो देहरी ही मानी जाती है। देहरी के बीच में बैठकर जो है चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और जो भी माताएँ बहनें हैं उनको, दूसरी बात, जो चटकी हुई चूड़ियाँ होती हैं, माताएं बहनों को चटकी हुई चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इसका भी एक जो है कारण बताया गया है शास्त्रों में, इसका कारण बताया गया है कर्ज। जो माताएं बहनों के जो पिता होते हैं और जो भाई होते हैं वो ऋणी, मतलब जो है कर्ज में डूबे रहते हैं, वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए जो चटकी हुई जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, वरना जो परिवार होता है उनका वो कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता है, कर्जे में दबा रह जाता है। और आगे बात करते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं उनको जो चांदी की चूड़ियां होती हैं, सुहागन स्त्रियां चांदी की चूड़ियां भी कभी भी नहीं पहनती। आप हाँ, अगर जो भी महिलाएं कवारी हैं, जो लड़कियां कवारी हैं वो चांदी का कड़ा पहन सकती हैं, लेकिन जो भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको चांदी की जो चूड़ियां होती हैं वो अशुभ होती हैं। तो कभी भी चांदी की जो चूड़ियाँ हैं वो आप माताएं बहनें ना पहने, क्योंकि वो भी अशुभ मानी गई हैं। और एक बात और बता दें, जो भी आपके द्वारा पहनी जाती हैं जो चूड़ियाँ, वो किसी अन्य स्त्री को आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्योंकि बोला जाता है अगर आप जो भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो अपनी जो चूड़ियाँ चूड़ा जो भी होता है किसी अन्य महिलाओं को दे देती हैं, या फिर किसी भी कारणवश उनको देनी पड़ जाती है, तो कहा जाता है कि जो उनका सिंदूर है, जो उनका सुहाग है, जो उनका सुहाग होता है वो भी बट जाता है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने द्वारा पहनी हुई चूड़ियाँ किसी महिला या माता बहन को नहीं देनी है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आप मायके जाते हैं तो वहाँ चूड़ियाँ पहन के आते हैं, या अभी आप मायके गए और आप ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं तो आप बोलते हो कि नहीं, मैंने पहन रखी हैं ऑलरेडी, मैं नहीं पहनती हूँ। तो आप बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि समझा जाता है जो भी मायके से जो भी जो है चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो सुहाग की निशानियाँ प्राप्त होती हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बोला जाता है कि आपके जो सुहाग होता है उसकी जो आयु है वो लंबी हो जाती है, आयु बढ़ जाती है। तो जो आपके मायके से आपको चूड़ियाँ मिले उसको बिल्कुल मना ना करें। हो सकता है आपने पहनी हो, वो अपने पास रख ले, फिर किसी अन्य मौके पर किसी अन्य अवसर पर आप पहन ले, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि मैंने पहनी हुई है और मैं नहीं लेके जाती हूँ। क्योंकि पता है गाँव में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं, जहाँ पर लड़कियों को, माताओं बहनों को जो शादी ब्याह के अवसर पर जो है चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। अगर लड़की जो है विवाहिता है और वो अपने मायके आती है तो जाते टाइम उसको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं और ये बिल्कुल शुभ होता है। तो अगर आप भी जाते हो तो बिल्कुल आपको चूड़ियाँ पहन लेनी है। अगर आपने ऑलरेडी पहनी हुई हैं तो आपको अपने पास रख लेनी है, किसी अन्य अवसर पर वो चूड़ियाँ डाल लेनी है। बोलते हैं मायके से जो सुहाग की निशानी आती है वो बहुत ही शुभ होती है, जिससे आपके सुहाग की जो है आयु बढ़ती है। तो बात करते हैं जी, अब अगर चूड़ियाँ चटक जाती हैं तो उनका क्या करें, डस्टबिन में डाल दें या नहीं? तो जो चूड़ियाँ हैं जो चटक जाती हैं तो आपको डायरेक्ट उसको डस्टबिन में नहीं डालना है। अगर चूड़ियाँ चटक जाती हैं तो उसके तीन हिस्से करके आप
डस्टबिन में डाल सकते हैं। फिर आप बिल्कुल बेझिझक होकर डालिएगा, पर चूड़ियों के 3 हिस्से करके ही डस्टबिन में डालिएगा। पूरी चूड़ियां हैं जो चटक जाने के बाद पूरी की पूरी चूड़ियां डस्टबिन में ना डालें। तो कुछ जानकारी मैंने आपको दी है चूड़ियों के बारे में, और भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो अभी मैं बताऊंगी कि आपको एक विशेष बात और है जो ध्यान में बिल्कुल रखनी होती है, जो भी देहरी होती है उसके बीच में बैठ के चूड़ियाँ नहीं पहनाई जाती, नहीं पहनी जाती। काफ़ी मैंने देखा है जो मनियार होता है, मनियारी होती है, वो चूड़ियाँ पहनाती है और हम देहरी के बीच में बैठ कर चूड़ियाँ पहन लेते हैं। ये बिल्कुल अशुभ है, ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं होता है, ये भी कर्ज का जो है एक कारण बनता है। तो महिलाएं बहनों को मैं एक बार फिर से कहूँगी कि देहरी के बीच में बैठकर जो है चूड़ियाँ ना पहने। आप अंदर बैठ सकते हैं देहरी के, या फिर देहरी के बाहर बैठ सकते हैं, और फिर आप आराम से जो है चूड़ियाँ पहन सकते हैं। अगर आपको कहीं से चूड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं तो सबसे बेस्ट तरीका लेने का होता है, आप उन चूड़ियों को अपने आँचल में लीजिए। आँचल का मतलब मेरा यहाँ है कि आप अपने दुपट्टे में लीजिए उसको, जो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये ना सुहाग की निशानी होती है, और सुहाग जो है एक विवाहित महिला होती है, माता बहनों की जो ज़िंदगी में बहुत एक अहम हिस्सा जो है माना गया है, होता भी है। तो अभी बात करते हैं कि अगर मैंने आपको बताया कि जो चांदी की चूड़ियाँ होती हैं वो सुहागन स्त्रियों को क्यों नहीं पहनाई जाती, और क्यों अशुभ माना जाता है, और क्यों उन्हें पहनने से मनाही की जाती है, क्यों मना करा जाता है उनको चांदी की चूड़ियाँ पहनने से। अगर आप एक हाथ में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, अगर आप दोनों हाथों में चांदी की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो बहुत अशुभ होता है, इसलिए आपको मना करा जाता है। क्योंकि जब किसी के, भगवान करे ऐसा ना हो, किसी के पति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास उनका हो जाता है, तो मायके वाले जो हैं चांदी की जो चूड़ियाँ होती हैं वो जो स्त्री होती है उनके लिए लेकर आते हैं। तो यही एक कारण होता है, यही एक अशुभ होता है, जो वो कारण यही होता है, इसलिए जो सुहागन स्त्रियों को है चांदी की जो चूड़ियां हैं मना की गई हैं। आप सोने की चूड़ियां पहन सकते हैं, अगर आप चांदी का कड़ा एक हाथ में पहनना पसंद है आपको तो पहन सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप चांदी की कड़े चूड़ियों को अवॉइड ही करें, उनको रहने ही दें, मत पहने। अगर आपको पहनना है तो आप गोल्ड की चूड़ियाँ जो है बिल्कुल पहन सकते हैं, और शुभ भी होती हैं, हर एक तरीके से आप गोल्ड की जो चूड़ियाँ हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन आपको चांदी की चूड़ियों से बिल्कुल परहेज करना है, बिल्कुल भी नहीं उनको हाथों में डालना है कभी भी, अगर आप सुहागिन महिला जो बहन हैं तो। और बात करते हैं, मैंने अभी बताया चटकी हुई जो चूड़ियाँ हैं उनसे जो आपका है बिल्कुल घर बर्बाद हो जाएगा, जो कर्ज है वो आपके सर से उतरेगा ही नहीं, कुछ ऐसा मतलब सामने आ जाता है कि आपका कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। तो माता बहनें इस बात को अवश्य ध्यान रखें, कभी भी चटकी हुई चूड़ियाँ अपने हाथों में न डाल के रखें। कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं हम कि हाँ चूड़ियाँ चटक गई है, लेकिन सोचते हैं कोई बात नहीं, डाले रहने देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करोगे तो आपके जो पिता और भाई होते हैं वो बिल्कुल ऋणी हो जाते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं, किसी भी प्रकार के से उनका कर्जा बिल्कुल उतरने का नाम नहीं लेता। एक ये अशुभ जो घड़ी है वो ये मानी गई है। तो माताओं बहनों को ये बिल्कुल विशेष जो है ध्यान रखना है कि चटकी हुई जो चूड़ियां हैं वो नहीं पहननी है, देहरी में जो चूड़ियां नहीं पहननी है आपको। तो जी, जो भी मैंने अभी आपको जो जानकारी दी है, चूड़ियाँ कैसे चूड़ियाँ पहने कैसे नहीं पहननी है, सुहागन स्त्रियों को कैसे चूड़ियाँ पहननी है कैसे नहीं पहननी है, क्या विशेष ध्यान रखना है, तो ये सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। और मैं समझती हूँ कि ये सुहागन माताओं बहनों के लिए एक विशेष जानकारी जो है वो है, क्योंकि जो ये चूड़ियों का महत्व होता है वो माताओं बहनों के जीवन में एक विशेष जो स्थान है वो उनका होता है। तो ये जानकारी आपको बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखना है। और कमेंट बॉक्स में ये मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है वो कैसी लगी। अगर आपको मेरी बातें और मेरी जो जानकारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।